हेलो एवरीवन दिस इज सुमन मेहता यू आर एस एस टीचर डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड अबाउट द कंटेंट डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस मतलब अलग अलग देशों के ट्रेड प्रैक्टिस पर जो डिबेट देखने को मिलती है जो बहस होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यानी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज के फार्मर्स के बीच में क्या डिबेट है यू हैव सीन इन चैप्टर टू दैट द एग्रीकल्वर सेक्टर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द जीडीपी इन इंडिया आपने चैप्टर टू में पढ़ा था कि हमारा जो एग्रीकल्वर सेक्टर है वो कितने ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और कितने प्रतिशत वो जीडीपी में अपना रोल प्ले करता है इसी चीज को हम आज यूएस के जीडीपी के साथ एग्रीकल्चर के शेयर को कंपेयर करके देखेंगे कि यूएस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जीडीपी में ओनली वन परसेंट शेयर करता है और वहां के टोटल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में उसकी जो शेयरिंग uh, है वो है जीरो प्वाइंट फाइव परसेंट ओनली यानी वन परसेंट भी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है यानी कम बहुत कम लोग फार्मिंग सिस्टम में लगे हुए हैं एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर इंगेज इन एग्रीकल्चर इन द यूएस रिसीव मासिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन एण्ड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज और इससे थोड़े से जो लोग ये फार्मिंग सिस्टम में लगे हुए हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेन को वहां यूएस गवर्नमेंट की हेल्प से उसको काफी जो है अमाउंट मिलता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों में अपने ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के लिए जब इतना हाई अमाउंट उन्हें मिल जाता है तो वो अपने इस हाई अमाउंट की हेल्प से क्या करते हैं दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट को लो प्राइसेस पर बेचने के लिए कैपेबल हो जाते हैं क्योंकि खुद का खर्चा उनका बहुत कम आता है और उनके पास मासिव जो है मनी होती है उसकी हेल्प से वो दूसरे देशों के फार्मर्स को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं उन्हें कड़ी प्रतियोगिता देते हैं द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट एट लो प्राइस एडवर्सली अफेक्ट फार्मर्स इन दीज कंट्रीज जिन देशों में यूएस अपने ग्रेन को सप्लाई करता है एक्सपोर्ट करता है उन देशों के जो किसान हैं उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है क्यों क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन है या जो उनका जो प्रोडक्शन है उसकी लो प्राइस की वजह से जो जिन देशों में उनका एक्सपोर्ट किया जाता है ग्रेन उन देशों के फार्मर्स को इसका कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ती है वो अपने रेट उसके साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं उनके प्रोडक्शन को कोई खरीदता नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज इसीलिए ये शिकायत करते रहते हैं और बार बार यही बात कही जाती है कि डेवलप कंट्रीज की सरकारों को क्या, क्या नहीं करना चाहिए डब्ल्यूटीओ रूल्स को फॉलो करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर तो ट्रेड बैरियर लगा दिए जाते हैं या उन्हें ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए कहा जाता है लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी सरकार के ऊपर डब्ल्यूडीओ का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और यही शिकायत उनके फार्मर्स से रह जाती है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें अपने फार्मर्स को इतना ज्यादा हाई सम ऑफ मनी नहीं देना चाहिए जबकि वो क्या कहती है खुद तो अपने फार्मर्स को ज्यादा अमाउंट देते हैं जो कि सब्सिडी के रूप में अपने फार्मर्स को वो प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी हेल्प से वो आगे चलकर दूसरे देशों के फार्मर्स को कम्पीट करने के कैपेबल हो जाते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट है उनको ऐसा करने से वो रोकते हैं यानी उनको ये कहा जाता है कि वो अपने फार्मर्स को इतनी ज्यादा सपोर्टिंग सिस्टम डेवलप ना करें बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ लेकिन यहां ये यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के फार्मर्स के थ्रू किससे पूछ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज की सरकार से डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट से वो पूछ रहे हैं कि आप खुद तो अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं जबकि हमारी गवर्नमेंट को आप मना करते हैं इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड क्या ये सही है और स्वतंत्र व्यापार है यानी आप खुद करो कुछ भी और दूसरों को आप करने से मना करो तो ये क्या बात सही है व्यापार में तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए यानी अगर आप अपनी फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें भी हमारी सरकार से सपोर्ट लेने की परमिशन होनी चाहिए नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेज पर आप देख पाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं डब्ल्यूटीओ हैज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज यहाँ पर यहां पर आप फील करेंगे डेवलप कंट्रीज द एम ऑफ द डबल्यूटीओ इज टू फ्री ट्रेड डब्ल्यूटीओ का मेन एम क्या है व्यापार को बाधा मुक्त बनाना डब्ल्यूटीओ स्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड डब्ल्यूटीओ किससे रिगार्डिंग रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड से यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है सभी देशों के लिए जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं और ये देखता है क्या देखता है दीज रूल्स आर ओबेड कि उसके जो रूल्स बनाए गये है उसने जो रूल बनाये है वो सभी लोग सभी देशों की सरकारें फॉलो कर रही है या नहीं इन प्रैक्टिस ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज नॉट फ्री एण्ड फेयर लेकिन वास्तव में क्या है कि ये जो ट्रेड है ये फ्री एण्ड फेयर मैनर में नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को तो ये मनाया जाता है कि वो ट्रेड बैरियर हटा दें और सभी कंपनियों को एमएनसीज को अपने देश में आने के लिए इन्विटेशन दें जबकि डेवलप कंट्रीज के ऊपर इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन डब्ल्यूटीओ नहीं लगा पाता है वट डू यू थिंक कैन बी डन सो दैट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज मोर फेयर तो सभी देशों के बीच में व्यापार ढंग से हो और निष्पक्ष रूप से हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके लिए यह है कि डब्लू के नॉर्म्स को सभी गवर्नमेंट्स को फॉलो करना चाहिए चाहे वो डेवलप कंट्रीज की हो और चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की हो और दूसरा जो है जो रूल रेगुलेशन ट्रेड से रिगार्डिंग फ्लेक्सिबल एक डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है वैसे ही रूल रेगुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज को बनाने के लिए परमिशन होनी चाहिए ताकि वो भी अपने फार्मर्स को या अपने ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन दे सके ये सभी आपने पढ़ा यहां पर कि कैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा यूएस की गवर्नमेंट जो है मासिव सम ऑफ मनी प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को प्रोटेक्शन के लिए और जब दूसरे देशों की सरकारें जब इस टाइप का काम करती हैं तो उनको रोकने की कोशिश होती है जबकि ये गलत बात है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो काम हम खुद करते हैं जो सही काम हम अपने देश के लोगों को डेवलप करने के लिए करते हैं वही दूसरे देशों को करने के लिए हमें रोकना नहीं चाहिए तो ये एक डिस्कशन का मैटर है जिसको हम पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट टेंजा है आप देख पाएंगे यहां पर दिया हुआ है इन द लास्ट 15 इयर्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज कम टू वे हमारे पिछले पंद्रह सालों से वैश्वीकरण की ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसने एक लंबी दूरी तय कर ली है यानी पिछले पंद्रह सालों से भारत में ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाया गया है वट हैज बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल इसका हमारे भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा वी लुक एट एविडेंस इसको हम कुछ उदाहरणों की मदद से पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन और ग्रेट कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फोरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कस्टमर्स ग्लोबलाइजेशन की इस प्रोसेस की वजह से और जो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जो हो रहा है प्रोड्यूसर्स के बीच में चाहे वो लोकल है और चाहे वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स है दोनों के बीच में ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टिफ कॉम्पिटिशन देखने को मिला है इसकी वजह से कस्टमर्स को फायदा हो रहा है पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरियाज और खास करके शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो रिच सेक्शन है वेल ऑफ सेक्शन मतलब जो रिच सेक्शन है उनको इसका फायदा मिल रहा है देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कस्टमर्स हु नाउ इंजॉय इम्प्रूवड क्वालिटी एण्ड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स अब उनको क्या फायदा मिल रहा है एक तो वराइटी ऑफ गुड्स उनको चूज करने के लिए मिल रही है दूसरा उसके साथ अच्छी क्वालिटी और बहुत कम दामों में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट उनको यूज करने को मिल जाते है एज ए रिजल्ट डीज पीपल टूडे इन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वॉज पॉसिबल अर्लियर तो आजकल वो वो स्टैंडर्ड लिविंग जी, जी, सर में जी रहे हैं यानी वो अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को उस टाइप से मेंटेन क्यों हैं जितना कि पहले पॉसिबल नहीं था ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से स्टिफ कंपटीशन की वजह से उन्हें वैरायटी ऑफ गुड्स भी अपने लोकल मार्केट में न केवल मिल रही हैं बल्कि लोअर प्राइसेस में मिल रही हैं और क्वालिटी वाइज भी वो अच्छी हैं आमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बिन यूनिफॉर्म ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस का जो इम्पैक्ट है वो एक जैसा नहीं है यानी इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूसर्स के ऊपर एक अलग प्रकार का प्रभाव देखने को पड़ा है, मिला है और वर्कर्स की कंडीशन पर इसका अलग से प्रभाव पड़ा है यानी दोनों की सेम कंडीशन नहीं है फर्स्टली एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट फिफ्टीन ईयर्स आपको पहले बता दूं कि एमएनसी ने जो है जो अलग अलग प्रकार की जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने पिछले पन्द्रह सालों से भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा दी है विच मीन्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बिन बेनिफिशियल फॉर देम जिसका मतलब सीधा सीधा अर्थ यही है कि भारत में निवेश करना उनके लिए फायदेमंद है एमएनसीज हैव बिन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन्स और ये एमएनसीज कहां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं भारत में किन क्षेत्रों में कर रही हैं या किन कंपनियों में कर रही हैं कहां उन्हें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो है सेलफोन्स की जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही है ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल इंडस्ट्री में कर रही है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कर रही है सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री में कर रही हैं फास्ट फूड और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो बैंकिंग सिस्टम है अर्बन एरियाज में उनमें ये एमएनसीज अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं इन लाइंस को आप अंडरलाइन करेंगे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इन्हें लर्न करेंगे दीज प्रोडक्ट है लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसके बायर्स बहुत ज्यादा हैं रिच पीपल इसके बहुत ज्यादा बायर्स है यानी अमीर वर्ग के लोग ज्यादा इनको खरीदते हैं इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में नई नई जॉब जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव तो जो नई जॉब ये दे रही हैं इसके साथ साथ जो लोकल कंपनियां स्थानीय जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं इन्हें कच्चा माल आदि जो संसाधन चाहिए होते हैं वो उपलब्ध करवाती हैं जिसकी वजह से ये एमएनसीज जो है अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोस्पर कर, कर जाती हैं मतलब उनकी खुद की इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है लोकल प्रोड्यूसर्स की हेल्प से ये अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं और इसकी हेल्प से वो वर्ल्डवाइड अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्प्रेड करती हैं तो अभी आपने देखा था कि पहले स्टेप में एमएनसीज कैसे अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं दूसरे स्टेप में देखिए सेकेंडली यहां पर दिया हुआ है सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन हमारे भारत की भी कई बड़ी जो भारतीय कंपनियां हैं उनको भी इस स्टिफ कंपटीशन की वजह से काफी मतलब जो है बेनिफिट मिला है दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी वो नई तकनीकी ज्ञान में उन्होंने अपना निवेश किया है एंड प्रोडक्शन मेथड्स और उत्पादन के जो तरीके हैं उनको सुधारा है रेजड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स और अपने प्रोडक्शन के जो स्टैंडर्ड है उनको भी इम्प्रूव किया है सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलाबरेशन विद फॉरेन कंपनीज इनमें से भारतीय कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सहयोग विदेशी कंपनियों के सहयोग से सफलता की चरम शिखर को छू लिया है यानी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर वो न्यू टेक्नोलॉजी को हायर कर रही है अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही है और अपने यूनिट्स को एक्सपैण्ड कर रही है तो इस प्रकार से आपने देखा दूसरा स्टेप जो है कंपनीज अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करने के लिए कौन सा अपनाती है पहले में आपने देखा कि वो लोकल प्रोड्यूसर्स की हेल्प लेकर जो है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं तो दूसरा फिर कई बार क्या है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में आकर न्यूअर टेक्नोलॉजी को हायर करके न्यू मेथड्स को एडोप्ट करके वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज इन एबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू अमर्ज एज मल्टी इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से ही हमारी कुछ भारतीय कंपनियां भी मल्टीनेशनल नेशनल कॉरपोरेशन के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं यानी वो एमएनसीज बन चुकी हैं जैसे कि अब यहां पर आपको एग्जांपल भी बताने पड़ सकते हैं टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी टाटा मोटर्स जो व्हीकल बनाने वाली इंडस्ट्री है इन्फोसिस आईटी रेनबेक्सी एशियन पेंट्स और यहाँ पर दिया हुआ है सुंदर फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ड्स ये कुछ भारतीय कंपनियां हैं जो कि क्या कर चुकी हैं अपने ऑपरेशन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर चुकी हैं यानी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर चुकी हैं अलग अलग देशों के अंदर इनकी यूनिट्स हैं मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स इन्होंने स्टेब्लिश की है और उससे ह्यूज प्रॉफिट ये गेन कर रही है तो आप इन भारतीय कंपनियों को भी ध्यान में रखेंगे और अब नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारी जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को मिलती हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए खास करके आईटी सेक्टर में स्पेशली हम देख पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से बूम मची हुई है मतलब आईटी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी है भारत की एक कंपनी लंदन के लिए एक मैगजीन पब्लिश करके भेजती है और अपने कॉल सेंटर वो यहां पर स्टेब्लिश करती है बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री इसमें कई काम शामिल होते हैं जैसे डाटा एंट्री है अकाउंटिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं इंजीनियरिंग टास्क होते हैं उन सबको चीप रेट में हमारे भारत जैसे देश में आसानी से किया जा सकता है इसलिए जो मैगजीन वाली कंपनी है जो ब्रिटेन की है वो यहां से अपनी जो कॉल सेंटर वगैरह इस्टेब्लिश करके और इस टाइप की यूनिट्स इस्टेब्लिश करके जहां पर ये सारे वर्क किए जाते हैं चीप रेट में वो पॉसिबल बनाती है और अपने कॉस्ट को बचा जाती है यानी खर्चा कम करती है और प्रॉफिट ज्यादा गेन कर पाती है क्योंकि फिर यहां से छपने वाली मैगजीन को ब्रिटेन की वो जो कंपनी है अलग अलग डेवलप कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करती है और उससे प्रॉफिट गेन करती है लेट्स वर्क दीज आउट तो यहां पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस की जो है रेंज तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़कर इनके क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट करेंगे मैं आपको ऊपर एक जो स्टेंजा एग्जांपल के बेसिस पर दिया गया है इसको आपको मैं ट्राई कर रही हूं कि आपको समझा सकूं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप कोई भी देश की सरकार अपनाती है और खास करके भारत में इसके लिए क्या काम किया गया है इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया अभी ताजा तरीन सालों में यानी कुछ सालों के अंदर केंद्रीय और राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं खास ध्यान रख रही हैं इस चीज का कि विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए कैसे आकर्षित किया जाए कैसे मनाया जाए इंडस्ट्रियल जोन्स स्पेशली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिन्हें हम शोर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं वो भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और शेज क्या है वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले वो क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी भी कंपनी को अच्छी रेगुलर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है वाटर सप्लाई दी जाती है रोड्स अच्छे बने हुए होते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड होती हैं स्टोरेज की फैसिलिटीज होती है रिक्रिएशनल मनोरंजन के साधन होते हैं और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी नियर बाई मिलती हैं जिससे कि वो अपने वर्कर्स और अपने जो एम्प्लॉज हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज देकर अपने प्रोडक्शन को डे बाय डे इंक्रीज कर पाए कंपनीज सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द सेज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स और हमारे भारत में तो हमारी जो सरकार है इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए एक और छूट देती है वो न केवल सेज वाला एरिया उनको इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए प्रोवाइड करवाती है बल्कि पांच साल तक टैक्स फ्री भी कर देती है जिससे कि वो अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए पांच साल तक बिना किसी टैक्स के सेज वाला एरिया उनको प्रोवाइड करवाती है जिससे कि वो अपने बड़े बड़े प्लांट वहां पर लगा पाए इंडस्ट्रीज वहां पर स्टेब्लिश कर पाए गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सीबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट द फोरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने फ्लेक्सीबल लेबर लॉज को भी अडोप्ट किया है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के तहत लेबर लॉज को फ्लेक्सीबल किया जाना जरूरी था you have seen in chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers aapne chapter 2 mein padha tha ki organized sector mein workers ke rights ko protection dene ke liye labor laws banaye gaye the inhi labor laws ko globalization ki process ke तहत flexible कर दिया गया है ताकि इन companies को ज्यादा से ज्यादा investment करने के लिए यहां पर encourage किया जा सके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके इन द रिसेंट इय द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज और आजकल के कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि सरकार जो है इन कंपनियों को अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं करती या इग्नोर करती हैं तो उसकी भी छूट दे रखी है इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस अब ये कंपनियां क्या करती है उस छूट का फायदा उठाकर वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पर हायर नहीं करती यानी टेम्परेरी बेसिस पर उनको काम देती हैं और इसके फ्लेक्सिबल जो शॉर्ट पीरियड्स जो जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए वर्कर्स को हायर कर सकती हैं और इसकी वजह से इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क जो होता है वो उनके ऊपर बना रहता है यानी वर्कर्स को लंबे समय के लिए काम लिया जाता है और बहुत कम वेजिस दिए जाते हैं दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी और ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का जो है कॉस्ट बचाया जा सके लेबर के मामले में ही वो कॉस्ट बचा सकती है यानी श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन में कटौती करके वो अपने फायदे को बढ़ा सकती है अब यहां पर आगे देखिए हाउ एवर स्टिल नोट सेटिस्फाइड फॉर कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सीबिलिटी इन लेबर लॉज इससे भी वो जो विदेशी कंपनियां कई बार खुश नहीं हो पाती यानी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो फिर क्या करती हैं सरकार से और ज्यादा लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए डिमांड करती रहती हैं यानी पहले कुछ फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं लेबर लॉज फिर उसको और ज्यादा फ्लेक्चुएट करने की कोशिश करती हैं सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है कि अगर उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो उन्हें इनको फ्लेक्सीब रूल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि एमएनसी का प्रोडक्शन भी बढ़ सके और उनका प्रॉफिट भी बढ़ सके अभी आपने ये पढ़ा कि किस टाइप से जो है सेज नाम के जो एरियाज हैं वो डेवलप किए जाते हैं किसी देश में और ग्लोबलाइजेशन के तहत लेबर लोज को कैसे फ्लेक्चुएट किया जाता है जिससे कि इसको इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया सके लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के तहत जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं और लोकल जो कंपनीज होती हैं ये वो इसका इस कंपटीशन को कई बार फेस नहीं कर पाती और वो नष्ट हो जाती हैं इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं इस एग्जांपल के थ्रू आप यहां पर देख सकते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश स्मॉल प्रोड्यूसर्स जब भी मुकाबला करते हैं तो वो नष्ट या तो मुकाबला इतना स्टिफ होता है कि उन्हें अपनी कंपनी को बेचना पड़ता है या फिर वो बिल्कुल ही बंद करना पड़ता है फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज मेजर चैलेंज न केवल श्रमिकों को और बल्कि प्रोड्यूसर्स जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें भी स्टिफ कंपटीशन की वजह से क्या करना पड़ा है काफी चैलेंजेज को फेस करना पड़ा है यानी काफी समस्याओं का सामना स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी करना पड़ रहा है साथ ही साथ वर्कर्स को भी करना पड़ रहा है राइजिंग कंपटीशन की वजह से एक एग्जांपल यहां पर सेट किया गया है रवि नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो स्मॉल लेवल पर जो कैपिस्टर्स बनाता है जो कि जिसने अपनी कंपनी नाइनटीन में तमिलनाडु के एक जगह है होसुर वहां पर अपनी स्टेब्लिश की थी एक इंडस्ट्रियल टाउन है वहां पर कैपिस्टर क्या होते हैं कैपिस्टर बेटा इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंस में लगाए जाते हैं यानी जितनी भी बिजली से घरेलू जो यंत्र होते हैं बिजली से चलने वाले उनके अंदर कैपिस्टर्स लगे होते हैं जैसे ट्यूबलाइट्स में टेलीविजन के अंदर कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं अब इन कैपिस्टर्स को की मैन्युफैक्चरिंग जो है रवि करवाता है अपनी इंडस्ट्री में शुरुआत में जब उसने अपनी इंडस्ट्री स्टेब्लिश की थी तो काफी अच्छा प्रोडक्शन उसने दिया था और उसने ट्वेंटी वर्कर्स को हायर करके अपना प्रोडक्शन शुरू किया था और काफी लोगों को रोजगार दे रहा था अब आगे चलकर जब भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को अडोप्ट किया 2001 में डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसके बाद से रवि को काफी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट पर हटा दी कैपिस्टल्स अब दूसरे देशों से भी आने लगे जिसकी वजह से रवि की कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा हिज मेन क्लाइंट्स उसके जो मुख्य ग्राहक थे कौन थे टेलीविजन कंपनी उसकी मुख्य कस्टमर थे यानी मेन कस्टमर उसकी टेलीविजन कंपनीज थी जो कि अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाने के लिए कैपिस्टल्स इससे बल्क में परचेज करती थी लेकिन अब उन्हें लेस रेट में जो है बाहरी देशों से मिलने लग गई वो कैपेसिटर्स तो उन्होंने इससे लेना बंद कर दिया हाउ एवर कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एमएनसी ब्रांड्स फोर्स द इंडियन टेलीविजन कंपनीज टू मूव इन टू असेंबलिंग एक्टिविटीज फॉर एमएनसी अब दूसरी एमएनसीज यहां पर इन्वेस्टमेंट करने लगी है और टेलीविजन अपनी यहां पर बेचने लगी है जिसकी वजह से हमारे जो एमएनसी ब्रांड से हमारी जो कंपनियां थी उनको क्या करना पड़ा इनके लिए असेंबलिंग का काम करना पड़ा यानी दूसरे देशों के एमएनसीज के लिए वो टीवी के जो पार्ट्स होते हैं उनको असेंबल करने का काम संभालने लगी कैपिस्टर ना बनाकर वो असेंबलिंग का काम करने लगी इवन वैन सम ऑफ देम बोट कैपिस्टल हालांकि कुछ कंपनी ऐसी भी थी कि उन्हें कैपिस्टर्स परचेज करने पड़ते थे दे वुड प्रेफर टू इम्पोर्ट लेकिन वो इसके लिए या लोकल मार्केट से जो कैपिस्टर्स होते उन्हें परचेज करने की बजाय दूसरे देशों से कैपिस्टर इम्पोर्ट करते थे क्योंकि उनके रेट जो है आधे से कम होते थे रवि की जो प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा महंगे थे जबकि दूसरे देशों के उससे आधे से भी कम रेट में उनको मिलने लगे थे इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि रवि के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज करने के लिए कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो दूसरे देशों से अपने पार्ट्स मंगवा रहे हैं या कैपेसिटर्स मंगवा रहे हैं। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ ऑफ द कैपेसिटर जब इसकी डिमांड कम हो गई रवि की कंपनी के जो कैपेसिटर्स थे उसकी डिमांड कम हो गई तो उसने आधे से कम प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया यानी अपने प्रोडक्ट जब डिमांड ही नहीं है तो वो किसके लिए बनाएगा तो उसने अपने प्रोडक्शन को लेस देन हाफ कर दिया और दो हजार के साल में उसने क्या किया सेवन वर्कर्स को हायर किया यानी सिर्फ स, कभी उसकी कंपनी में 20 वर्कर काम करते थे अब उसने सेवन वर्कर्स के हेल्प से अपने प्रोडक्शन को कम किया है क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि और ना ही इतनी जो है सप्लाई वो दे पा रहा है या कोई परचेज उसका नहीं कर पा रहा है हैज ओनली सेवन वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम मैनी ऑफ रवीज़ फ्रेंड ज्यादातर दो रवि के फ्रेंड थे जो इसी बिजनेस में लगे हुए थे हैदराबाद और चेन्नई में जिनकी यूनिट्स थी अपनी यूनिट्स को बंद कर दिया क्योंकि वो इस टिफ कम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाए जबकि रवि अभी कोशिश कर रहा है अपने बिजनेस को स्पॉयल होने से बचाने के लिए तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी किसी बड़ी एमएनसी के साथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स या स्मॉल कंपनीज को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किस प्रकार उनकी लाइवलीहुड जो है एंडेंजर जोन में आ जाती है और अभी आप यहां पे देखेंगे कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसे स्टिफ कॉम्पिटिशन को हमेशा फेस करती हैं बैटरीज कैपिस्टर्स प्लास्टिक्स टॉयज टायर्स डेयरी प्रोडक्ट्स